वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की फंड रेजिंग करने वाले और अमजद साबरी शहीद पर हमले के दौरान जख्मी होने वाले उनके साथी सलीम साबरी कव्वाल आजकल शदीद फाका मस्ती में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इमरान खान की फंड रेजिंग के सिलसिले में वो सान फ्रांसिस्को समेत कई ममालिक में गए। अमजद साबरी शहीद के साथी सलीम साबरी कव्वाल ने सदाए सच को अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि सियासतदान और हुक्मरान मुझे अमन का सफ़ीर कहते हैं, मगर कहने से ना तो भूखा पेट भरता है, ना बिजली का बिल अदा होता है और ना ही बच्चों की फीस अदा होती है। सलीम साबरी का कहना था कि अमजद साबरी शहीद पर हमले के दौरान वो ज़ख्मी हुए तो वफाकी हुकूमत ने 15 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया, मगर आज तक वो रकम नहीं मिली, जबकि सूबाई हुकूमतों ने भी न होने के बराबर मदद की। सलीम साबरी का कहना था कि उनकी बीवी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 4800 रुपये हर तीसरे माह मिलते थे, मगर वो भी बंद कर दिए गए, जबकि उन्होंने मदद की दरख्वास्त की तो वो भी रिजेक्ट कर दी गई। बच्चे को 10 लाख रुपए दिए तो अकरम बलोच कैपिटल चैनल के जो हैं, उन्होंने कहा कि ये सलीम साबरी का पुराना केस है। मुर्तजा वहाब साहब को कहा कि बराए मेहरबानी मुर्तजा वहाब साहब हमारे मुल्क के असासा हैं, अमजद के ये साथी जख्मी हुए थे, इनके लिए 15-15 लाख सिंध वफाक ने किया था, अगर वफाक दे या ना दे तो आप मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा असासा है, इनके लिए जरूर हम करेंगे। वो मुझसे दरखास्त भी ले ली गई सीएम हाउस पे, तो वहां पीए अरशद भट्टी साहब, उन्होंने कहा सरदार शाह साहब, उन्होंने कहा जी आप हमारे ऑफिस आना। तो मैं जब वहां ऑफिस में गया हूं, 5वें फ्लोर पे 8 काउंसिल में उनका ऑफिस था, मैं गया हूं, मैंने भरदो झोली पड़ी वहां पर, भरदो झोली सुनाई उनको, उन्होंने कहा साईं अमजद साबरी के नाम की अकेडमी बनाएंगे, उसमें आपको जॉब मिलेगी। अकेडमी कब बनेगी दिन का पता नहीं। मैंने कहा साईं बच्चे तो रोज रोटी मांगते हैं, छोटे बच्चे हैं, ना स्कूल की फीस दे सकता, ना मकान का किराया, और मैं पैदल चल के आया हूं। भरदो झोली सुन के भी उनके हाथ उनका जेब में नहीं गया कि चलो 1000-2000 रुपए दे के इनको किराया दे दें। तो कहा साईं हाजिर हाजिर, यूं करते रहे। मैं चुप करके नीचे आ गया, नीचे कैमरे में चैनल वाले, हाँ सही क्या कहा मैंने, बोला जी उन्होंने कहा एकेडमी बनाएंगे, तो चैनल वाले कह रहे हैं पता नहीं कौन कौन से थे, दिन नहीं बताया। मैंने कहा नहीं साहब उन बातों में 2-2.5 साल हो गए। तो ये हुक्मरान अपनी बादशाही की इन पे नशा होता है, बादशाही का इनका भूत सवार होता है, ये ऐलान करते हैं मुंह से निकाल देते, अमल पैरा नहीं होते। तो अल्लाह इनके दिल में रहम डाले। तो कहने का मतलब कि परेशानी के हालम में हर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की माँ बाप होती है, तो जब बच्चे परेशान होंगे माँ बाप के आगे गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे कि आप हमारे बड़े हैं। और खासतौर पे वो आर्टिस्ट जो इस मुल्क की खिदमत करते हैं, 9/11 के बाद में हम पाकिस्तानियों को शक की निगाह से देखते थे, ऐसी मुश्किल घड़ी में हमने कवाली के जरिए मुल्क का परचम ले लेके यूरोप अमरीका में घूमे, वो लोग खुश होते थे, तालियां बजाते थे कि ये बड़ा अच्छा मुल्क है, वहां के आर्टिस्ट हैं ये, तो वो हमारी मोहब्बत हुस्ने इखलाक को देख के मुतासिर होते हैं कि कैसा अच्छा मुल्क है। तो जब हमारी उस मेहनत का इस अवार्ड की ये जो अवार्ड है इनका अगर सिला ये है कि हम लोग देखें हम रोए, तो हमें अफसोस होता है। रोना हमारा राइट है, क्योंकि हम आपके सामने रोएंगे, गवर्नमेंट है, अल्लाह ने आपको मौका फराहम किया, ये मिनिस्ट्री आने जाने वाली शय है, रहेगा अल्लाह का नाम, हमने सबने अल्लाह के हजूर कयामत के रोज खड़ा होएंगे, तो अल्लाह पूछेगा जरूर कि मैंने आपको ये वजारतें दी थी, मेरे बंदों के साथ आपने क्या सलूक किया, खाली अपने मिनिस्ट्री के नक्शे में ऐलान करना होता है, ये मिनिस्टरों ने भी नहीं रहना, सबने अल्लाह के हजूर जाना है। तो वहां सुरखुरु होने के लिए मैं फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे जॉब चाहिए, नौकरी दे दें, पैसे मत दें, पैसे मत दें, नौकरी भी नहीं दे रहे तो मकान ले दे मुझे, क्योंकि यहां कराची शहर में महंगाई है, गरीब आदमी बहुत तंग दस्त हो जाते हैं। तो मालिक मकान तो नहीं करता, आपने गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया कोई मालिक मकान तंग ना करे, हमें तो तंग कर रहे कि किराया दो या खाली कर दो। तो ये है कि बराए मेहरबानी मकान मिल जाएगा तो ये कम से कम ये जलालत की जिंदगी से तो वो बच्चों की तो जान छुटेगी ना, कि हमें कम से कम किराया ना देना पड़े। एहसास प्रोग्राम में सबकी इमदाद हो रही है, मगर पाकिस्तान में अमन का पैगाम देने वालों का एहसास किसी को भी नहीं।